हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय मोर वीडियोस। सो गाइस, आज हम इस हिली एरिया पे आए हैं। सो हम एक सिनेमैटिक शूट करेंगे और उसका जो स्टार्टिंग से एंड तक प्रोसेस होता है, हम सिनेमैटिक शूट को कैसे शूट करते हैं, और मतलब कोई भी अगर आप कॉमर्शियल शूट कर रहे हो या फिर कोई हिली एरिया का शूट ले रहे हो या फिर कोई भी शूट कर रहे हो, उसको कैसे एडिट करते हैं एंड उसकी कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं और उसको कैसे स्टार्टिंग से एंड तक फाइनल रिजल्ट पे लेके जाते हैं और उसको हम कैसे अपलोड करते हैं हाई क्वालिटी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो कमेंट करके ज़रूर बताना यार कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट गाइस, सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम एडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर में इसको एडिट कैसे करते हैं एंड इसमें बेसिक कलर करेक्शन कैसे करते हैं और हम सीक्वेंस में कैसे कर सकते हैं इसको। सो मैं बहुत ही सिंपल एक बेसिक, जिसने कि कभी ये सॉफ्टवेयर पहले नहीं भी चलाया वो भी इस वीडियो को देख के सॉफ्टवेयर को आराम से सीख सकता है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना यार, तो तभी आपको समझ आएगा। अगर कोई भी आपने पार्ट छोड़ दिया तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकती है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि ये स्क्रीन, ये पूरा हमारा इंटरफेस है, कुछ लाइक दैट इंटरफेस है। सो मेक श्योर जब भी आप एडिटिंग कर रहे हैं जब आप सीक्वेंस में लगा रहे हैं तो यहाँ पे इस एडिटिंग पे क्लिक करें। देखो ऊपर लिखा हुआ है ये एडिटिंग, और एक कलर्स का है और इफ़ेक्ट, मतलब हमारी जो क्लिप का इफ़ेक्ट है वगैरह। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिप्स सिर्फ यहाँ पे रख रखी है, अभी मैंने इसमें कोई कलर ग्रेडिंग, कोई चेंजेस कुछ नहीं करा है। सो हम देखते हैं इस वीडियो को, आप एक बार पूरा प्ले करके आप देख सकते हैं ऐसे कि आपको कहाँ कहाँ चेंजेस। अगर आपको कलर ग्रेड, आप जैसे कि देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा नहीं हम लेंगे, बिकॉज इतना लंबा हम एक सीन नहीं ले सकते, हम यहाँ तक इसको सीन ले सकते हैं, एक सिनेमैटिक लुक में आ सकता है। सो ये एक यहाँ पे रेज़र टूल है, आप देख सकते हैं इस रेज़र टूल पे सिलेक्ट करके हम इसको, रेज़र टूल क्या करता है, एक कट कर देता है, ये क्लिप को कट कर देगा। और इस क्लिप को अगर हमें नहीं चाहिए यहाँ से तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये सिर्फ क्लिप यहाँ पे हमारी निकल के आ गई है, हमारी हमको यहीं तक क्लिप चाहिए थी, ये निकल के आ गई, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें सिर्फ एक वीडियो एक सीक्वेंस में करनी है। सो देख सकते हैं कि ये कुछ वीडियो का नीचे ऑडियो है, बट बेसिकली हमें ऑडियो नहीं चाहिए। सो कंट्रोल प्लस एल करके इसे अनलिंक कर देंगे, ऑडियो अनलिंक हो गई है एंड वीडियो भी अनलिंक हो गई है। सो ऑडियो को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो मेक श्योर आप ऑडियो डिलीट कर दें अगर आपने कोई और ऑडियो या म्यूज़िक डालना है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे म्यूज़िक ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे म्यूज़िक अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि ये देखो गाइस, ये म्यूज़िक है मेरा। ये म्यूज़िक था गाइस, आपने देखा ही होगा अभी, पर ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको यहाँ से। ये देखो गाइस, पूरी सिनेमैटिक लुक आ रही है एक। सो ये मैं कुछ सीन आपको बस ऐड करके बता रहा हूँ कि इसमें सीक्वेंस में आप कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो ये सीक्वेंस, ये यहाँ पे अगर ये क्लिप है, इसको हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अरेंज हो गई। इसके बाद आफ्टर दैट ये एक परी दिखने लग जाएगी सीधी, ये देखो ऐसे आपको शो हो रही है, ये हमने सीक्वेंस में कर दी, बट हमें इसे इतना लंबा नहीं लेना है। वैसे देख सकते हैं आप ये क्लिप चल रही है,
इतना लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है जितना आपको सही लगता है। जैसे मैंने यहाँ तक लिए, देखो मैंने ये यहाँ से ओनली इस क्लिप से वहाँ तक मैंने इसको लिया है, क्योंकि मुझे सही लगा। अकॉर्डिंग टू यू गाइस, आपको जो क्लिप अच्छा लग रहा है, जो जहाँ से आपको एडिटिंग करनी है, बट फोकस वो ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट सही आ रहा हो, मैंने यहाँ तक इसको लिया है। ये देखिए गाइस, सो एक अच्छा लग रहा है ये देखने में भी सीक्वेंस। सो गाइस, अब हम प्रोजेक्ट्स फाइल में चले जाते हैं, यहाँ पे दूसरी कोई वीडियो ऐड करते हैं। सो कि बेसिकली एक छोटा सा मैं आपको एक सीक्वेंस बना के दिखा देता हूँ कि क्लिप्स हम कैसे एडिट कर सकते हैं यहाँ पे और कैसे नहीं। चलिए ये वाली ले लेते हैं। तो देखिए ये क्लिप यहाँ पे आ चुकी है, आप यहाँ से ड्रैग करके, ये मैंने पहले ही अपलोड करी हुई है यहाँ से। अगर आपको अपलोड भी करना है तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप बाहर से कोई भी फोल्डर में जाके। अगर आपने ऐसे वीडियो यहाँ से ड्रैग करके इसमें डाल दी तो ड्रैग होके आराम से आ जाती है, आप ड्रैग कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो गाइस, ये बहुत जूम होके आ रही है। और एक और मेन चीज़ गाइस, ये जो येलो ऊपर आ रहा है, येलो का मीन्स कि ये प्रॉपर हमें दिखेगा नहीं यहाँ पे, जब तक ग्रीन नहीं हो जाता। ग्रीन करने के लिए आई हम सिलेक्शन कर सकते हैं इसको, आई एंड ओ से इन एंड आउट यहाँ पे क्लिक करके, एंड सीक्वेंस इसको रेंडर कर दे इन एंड आउट। सो ये कुछ मिनट्स लेगा रेंडर होने के लिए, ये डिपेंड करता है आपके सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। सो इसको होने देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये। सो तब तक के लिए गाइस, आप इस शूट को देखिए कैसे कर रहे थे शूट। सो देखिए गाइस कैसे शूट हो रहा है ये। सो गाइस, यहाँ पे रेंडर डन हो चुका है। सो होप BTS आपको अच्छा लगा हो कि हम कैसे शूट कर रहे थे। सो लेट्स गाइस देखते हैं कि ये देखो गाइस, ये शूट है एक सिनेमैटिक, ये प्रॉपर कितना अच्छा लग रहा है गाइस। बट हम इसको भी पूरा प्रॉपर नहीं ले सकते, ये हमने शूट करा है सोनी अल्फा में। सो ये थोड़ा इसका रेजोल्यूशन बड़ा है, तो हम यहाँ से स्केल करके 50 कर देंगे। देखो प्रॉपर अब आ जाएगा, ये प्रॉपर आ गया। बट देखिए अगेन वो जी येलो लाइन आ गई, क्योंकि हमने इसमें एडिटिंग करी है, वो प्रॉपर रेंडर नहीं हुई। तो आप एक बार ये प्रॉपर देख लीजिए आपको कितना चाहिए। मेरे को यहाँ तक ये ठीक लग रहा है। एंड अगेन आप कंट्रोल प्लस एल करके इसे अनलिंक कर दिया, आप ये वाली नीचे से ये ऑडियो रिमूव कर सकते हैं, ऑडियो पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर कमेंट में बताना यार, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड लाइक शेयर करना मत भूलना। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बेसिक बताऊंगा कि बेसिक हम क्लिप ऐड कैसे करते हैं, एंड उसको हम एडिट कैसे करते हैं, एंड उसको अरेंज कैसे करते हैं, एक सीक्वेंस में हम कैसे रखते हैं, और ये पैनल्स किस लिए यूज़ होते हैं, मैंने थोड़ा आपको बेसिक बता दिया है। अगर फिर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि इसका इंटरफेस कैसे यूज़ होता है कैसे, तो वो मुझे भी कमेंट में बताना। सो गाइस, इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं आपको पूरी प्रॉपर कलर ग्रेडिंग दिखाऊँगा इन्हीं तीन क्लिप्स की, मैं आपको कलर ग्रेडिंग बताऊंगा। ओके, तो कलर ग्रेडिंग हम करते कैसे, बेसिकली हम कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन, ये दो अलग अलग चीज़ है गाइस। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।